हे गाइस, पहले तो सॉरी कि वीडियो बहुत बहुत लेट आ रही है। क्या करूँ, मेरा लैपटॉप ही ख़राब है। सो जो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने फाइनली नया लैपटॉप ले लिया है। एंड कौन सा लिया तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने कंटिन्यू स्टोरी पे मैं अपडेट कर रहा था अपने इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहा था बट इंस्टाग्राम पे एक्टिव था तो वहाँ पे मैं अपनी स्टोरीज अपलोड कर रहा था। सो फाइनली नया लैपटॉप लिया है मैंने। एंड जब मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ था तो मैं कंटिन्यू अपने पुराने लैपटॉप को बनाने के पीछे ही पड़ा था कि यहाँ से वहाँ उसको बनाने के लिए जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पा रहा था। तो उस टाइम पे मैं कुछ भी व्लॉग्स भी नहीं बना पा रहा था क्योंकि बहुत बिजी था एक दो हफ्ते, तो कंटिन्यू मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया। सो जब बारिश हो रही थी, जब पानी ज़्यादा भरा था तो तो उस टाइम पे मैंने एक व्लॉग शूट किया था अपना वसई में जाके, बट वो व्लॉग मैंने एडिट करके अपलोड नहीं किया था। तो अभी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था तो फाइनली मैंने वो व्लॉग एडिट करके, जो आज का वीडियो आप देखने वाले हो वो व्लॉग है। सो आप लोगों को व्लॉग देखना और कमेंट करके बताना कि आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। सो मैं जाता हूँ वॉर मूवी देखने और आप लोग जाके ये वीडियो पूरा देखो, और आप लोग कमेंट ज़रूर करना क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, ख़राब लगा है, बट कमेंट ज़रूर करना। सो मैं जाता हूँ मूवी देखना और आप लोग जाके वीडियो देखो पूरा। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय BBR चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो फाइनली आज जा रहा हूँ मैं जिम इक्विपमेंट की फैक्ट्री में, जहाँ पे मशीन्स बनते हैं जिम के। तो आज वहाँ पे जा रहा हूँ कि मशीन्स कैसे बनते हैं, और तो मेरे साथ में मैं और मेरे सर जा रहे हैं, जो कि देखने जा रहे हैं कि कैसे बनता है मशीन्स। और सर की खुद की भी फैक्ट्री वहाँ पे है, तो आप लोग को आज वो दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे जिम की मशीन्स। तो आज जा रहा हूँ वही एक्सप्लोर करने कि क्या क्या मशीन्स हैं और कैसे बनती है। तो आज आप लोग को दिखाता हूँ कि जिम की फैक्ट्री कैसे होती है और मशीन्स कैसे बनते हैं। तो अभी सर के पास जा रहा हूँ, सर की गाड़ी में, तो जल्दी से जाते हैं और निकलते हैं क्योंकि लेट हो चुका हूँ मैं। तो पहले मैं सर वेट कर रहे हैं, वहाँ पर जाता हूँ, फिर आप लोग को आगे मिलता हूँ। ये घाट के ऊपर में क्या हो गया है, रोड पे मट्टी डाल के पूरा रोड बंद कर दिया है। ऐसा थोड़ी चलेगा, एक तो बारिश में वैसी गाड़ी चलाने का तकलीफ, बारिश में कहीं जाने नहीं मिलता, और जिस दिन बारिश में उस दिन निकलो भी तो ऐसा रोड पे मट्टी डाल के क्या मतलब है, पूरा रोड पे मट्टी डाल के रास्ता बंद कर दिया है। कुछ तो करो यार, कुछ तो एटलीस्ट। श्रेष्ठ जंक्शन जाने के लिए, श्रेष्ठ जंक्शन श्रेष्ठ थिएटर है ना, के लिए अभी आपको बहुत घूम के जाना पड़ेगा। ये बंद क्यों किया है, लेकिन मट्टी क्यों डाली, इसका काम चालू है। कौन सा ब्रिज, ये इसमें इसका जो ब्रिज आता है ना, बंद किया है इधर बीच में, अंदर से रास्ता नहीं है, अंदर से ऐसा राइट मार के जाओ, वहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ये मुंबई की ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक का असली मजा लेना तो मुंबई में आओ एक बार, और ट्रैफिक में एक बार फंस के देखो, एक दो घंटा कहीं पे भी नहीं गया है। पता नहीं कब ये मुंबई की ट्रैफिक खत्म होगी। तो अभी आए हैं घाट के ऊपर में, एक बंदे की कुछ मशीन खराब हो गई तो उसकी कुछ इक्विपमेंट्स लेने, फिर वो इक्विपमेंट्स लेके हम लोग जाएंगे फैक्ट्री पे। तो फाइनली अब बारिश स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सुबह से लेके 12:30 बजे तक बारिश नहीं थी और अभी बज रहा है 1 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं बारिश कब तक होती है, या शायद तो कुछ ज़्यादा ही हो, जैसे रूटीन से बारिश हो रही है, उतना तो नहीं होना चाहिए बिकॉज ज़्यादा पानी भर गया था, बट अब फाइनली बारिश स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ा आप लोग को लोकेशन दिखाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग को देखने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि बारिश में कुछ अलग ही ग्रीनरी इफेक्ट आता है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग ये इन्जॉय कीजिए अभी।
सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पहुंच गए। बच्चा बच्चा बच्चा। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं वसई सर के फैक्ट्री के पास में। तो फैक्ट्री तो काफ़ी अंदर है, गांव साइड एकदम लग रहा है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तबेला भी है बहुत। हम लोग को जो मिलता है मुंबई में दूध पता नहीं कैसा होता है, और यहाँ पे तबेला भी है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रेश दूध निकलता होगा, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो। सो अभी पहुँच गए हम लोग सर के फैक्ट्री के पास में। तो अभी अंदर का कुछ दिखाता हूँ आपको। वैसे गोडाउन तो है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें हैं जो अभी पेंडिंग वर्क में रखी हुई है, जो आधी बन चुकी आधी नहीं बनी है। और बैड लक ये है कि अभी आते साथ ही लाइट चले गई है, तो अंदर का कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज अंधेरा है। तो जैसी लाइट आती है तो आप लोग को मैं कुछ दिखाता हूँ। वैसे दिखाने लायक कुछ है नहीं, सब लोखंडी है, बट आपको दिखा दो कि मशीनें कैसी बनती है। और आधी मशीनें वैसे भी पेंडिंग वर्क में पड़ी हैं। सो अभी लाइट आती है तो आप लोग को मैं मिलता हूँ। जैसे कि देख सकते हो पीछे अंधेरा बहुत है, अभी लाइट नहीं है। सो अभी देखते हैं, अभी कुछ टाइम पास करेंगे। तो सामने है तबेला, तो देखता हूँ वहाँ पे जाके वो लोग शूट करने देते हैं कि नहीं। तो आप लोग को थोड़ा तबेले का भी एक छोटा सा लुक देता हूँ मैं। एंड एकदम फ्रेश दूध मिलता है, बॉस फ्रेश दूध। अगर कभी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे तबेला मिलता है, बस वहाँ से एक बार दूध ले लेना ज़रूर। क्योंकि जो हम लोग दूध पीते हैं वो तो पता नहीं कैसा होता, बट एक तबेले का फ्रेश दूध पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो अब जा रहा हूँ भैंस के तबेले में। तो आप लोग को थोड़ा अंदर का एक टूर देता हूँ मैं, दिखाता हूँ कि भैंस लोग को कैसे रखते हैं और दूध कैसे निकलता है आप लोग को। सो ये कुछ है जो ऐसे दूध निकाला जाता है यहाँ पे। तो ऐसे रखा जाता है भैंस को, ऐसे रखा जाता है। तो ये सब भैंसे है, काफ़ी बड़ी बड़ी है यार। तो आगे जाके देखते हैं और कुछ है क्या। ये सब भैंसों के लिए ही ये जगह है, जितनी भी जगह है सब भैंसों के लिए है। गोबर रखते हैं यहाँ पे, सब भैंसों का गोबर रखते हैं यहाँ पे, जिसको खाद बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, खाद बोलते हैं। और ये है भैंसों का खाना। मेरे को डर लग रहा है, मेरे को ध्यान से देख रही है। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये है कुछ नज़ारा यहाँ का। सो लाइट तो आई नहीं, तो अभी रुक के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कब आएगी कितने बजे आएगी कुछ आइडिया नहीं है। सो अभी रुकने का मतलब नहीं, तो अभी हम लोग ऐसे निकल रहे घर के लिए। सो लगी अब बहुत जोर की भूख मुझे, तो देखते हैं आगे रास्ते में कुछ मिलता है तो वहाँ पे कुछ खाएंगे, फिर आप लोग को आगे मिलता हूँ मैं। तब तक आप लोग आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। सो अब रुके हैं यहाँ पे एक होटल पे, सागर होटल करके है, जो कि रास्ते के बीच में पड़ता है। सो अभी यहाँ पे रुके, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने लायक मिलता है तो कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली खा लिया खाना, खाना काफ़ी अच्छा था, फूड क्वालिटी अच्छी थी। सो अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से आगे। मैंने आते टाइम ना यहाँ पे मैकडोनल्ड देखा था, तो मैंने सर को बोला सर मैकडोनल्ड देखा था, तो चलो मैकडोनल्ड में भी एक एक हाथ हो जाए। सो अभी हम लोग आई थिंक वहाँ पे शायद गाड़ी रोकेंगे सर की, नहीं पता नहीं, बट आप लोग को आगे मिलता हो, तो आगे का ब्लॉग आप लोग इन्जॉय कीजिए। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पीछे मैकडी में, तो अभी मैकडी में जाके खाएंगे। सो अभी मैकडी में जाके हम लोग खाएंगे बर्गर। मैंने जाते टाइम ही देख लिया था मैकडी, तो मैंने सर को बोला कि यहाँ पे आना है अपने को, तो हम लोग वहाँ पे अभी खाना खाए, बट थोड़ा जगह रखे कि बर्गर खाना है। सो अभी जाते हैं मैकडी में, हम लोग बर्गर खाते हैं, फिर आप लोग को मिलता हूँ। सो फाइनली खा लिया हम लोग, काफ़ी अच्छा बना है, एकदम हाईवे पे एकदम बनाया है, कि कोई भी अगर हाईवे पे खाना चाहे तो हाईवे पे भी खा सकता है। पीछे का लोकेशन देख सकते हो, बहुत प्यारा लोकेशन है, तो काफ़ी अच्छी जगह पे ये मैकडोनल्ड बनाया हुआ है। सो आप खा लिए, तो आप निकल रहे हैं हम लोग। सो आप लोग को आगे मिलता हूँ मैं। सो फाइनली अभी पहुँच गया घर पे मैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक अब भी वीडियो को एक लाइक कर देना, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये वीडियो में क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, और आपको कुछ सजेशन दे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और मेन इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, उससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।